मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। और हम चले अभी मनी, 8 बजे आ रहे हैं, 5:30 बजे, क्योंकि मेरी दो क्योंकि क्या कुछ नहीं, बस जा रही हूँ। तो लाइट करते हैं ऑफ और चलते हैं अंदर। सो हे गाइस, मैं हो गई हूँ स्कूल के लिए तैयार, तो अभी चलते हैं क्योंकि टाइम हो गया। क्या बोल रहे हो आप? तो क्या करूँ मैं, आप जाओ, मुझे क्यों पूछ रहे हो? आपने तो कहा है जब कहीं जाना होता है ना, पहले पूछना होता है फिर जाना होता है। हाँ देखा, कितना अच्छा बच्चा है ये, आया ट्यूशन की छुट्टी पूछने के लिए कि मुझे मासी घर जाना है, मुझे ट्यूशन में छुट्टी मिलेगी तो हम इसको दे देते हैं। गाइस क्या बोलते हैं, गाइस दे इसको छुट्टी। तो ये आया है प्रसाद। कहाँ से आया है ये प्रसाद? थोड़ा है, ये हनुमान के मंदिर से आया है। बस बस बस, ये आया हनुमान के मंदिर से, तो आपको छुट्टी मिल रही है। ओके ओके, अरे थोड़ी देर पढ़ना फिर चले आना। मम्मा ने तो ऐसे बोला है, थोड़ी देर पढ़ना है फिर जाना है, थोड़ा सा पढ़ना है, बोला है ना, फिर थोड़ा सा पढ़ लेना। ठीक है ठीक है। तो कहाँ पढ़ना है? पहले घर पे पढ़ूंगा, घर पे पढ़ लिया, घर पे टीचर ट्यूशन है। क्या हो रहा है? बस हो गए हैं? गुड भी ठीक है। एक दिन में तो हो जाएंगे, एक घंटा या आधा घंटा। बस बस बस, दबाओ उड़े तुम। एक ब्रेक थारी, पैसे थारी दौलत, पैसा दो हमें, पैसा पैसा हम झापड़ देंगे तुमको, झापड़ झापड़ खाएंगे, आप खाएंगे झापड़। झापड़ ये जगह कुछ और दे दो, तो थापड़ खा लो। बाइक चला दूंगी मैं तेरे से। देख लो टाइम कितना हुआ, 4 तो नहीं, मुझे भी लड़का आ जाता है जल्दी। 38 हो रहे हैं अभी। हाँ 3:38। चलो सो जाओ फिर थोड़ी देर। नहीं, सोया था ना? सोने के लिए तो गया था, पर ये सोया नहीं। ये सोया, ये नहीं सोया, आप नहीं सोए थे? सोए थे ना, ये सोने के लिए गया था, पर वो सोया ही नहीं, ऐसे जगह रहा। आप जग ही रहे थे, सोए नहीं थे आप? सच्ची बोल, मम्मा को सुला के खुद निकल आया था बाहर। अपनी निंजा टेक्निक से, अपनी निंजा टेक्निक दी तूने। सुगड़ी बंद कर, ठीक है मैं भी खेलूंगा, जब थोड़ा सा काम हो जाएगा। तू जा, तू कह रहा था ना हम निकलते हैं, चल गेट आउट हो गया, वैसे गेट आउट। नहीं हम सीरियस ले गए तेरी बात, तो चल दी उठू, मैं उठू बताऊं मैं तेरे को, हमेशा नहीं मिलेंगे, बाय बाय, कल मिलेंगे।
गाइस मैं आ गई मंदिर से और यहाँ पे मंदिर में भी पूजा कर दी है। हाथ नहीं करते तो फूल रखे हुए थे ना पापा ने, पापा बंद क्या बोलेंगे, देखो इधर कितने सारे फूल खिले हैं देखो। और मिठू मिठू ना मेरी बात ध्यान से सुन, मिठू बात सुन रहे ध्यान से, मिठू सब्जी पता नहीं क्या आलू चढ़ाए या कुछ चढ़ाया क्योंकि करेले बने हुए हैं, आलू बनाएंगे पहले मैं चपाती बनाऊंगी गाय के लिए। ना खुद को किसी यहाँ दे रहे और भी था इन होना सोलह के परांठे, ये है परांठा देखो फूल रहा है फुलके की तरह। दूसरी मैंने घी लगाया लग रहा है कि परांठा बनाया है देखा भर भर के की। सो ही गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। आई होप कि आप सब ठीक हैं और आज है थर्सडे, ये ब्लॉग मेरा परसों डालेगा पता नहीं कब डालेगा, तो शुरुआत कर दी है मैंने। एक्चुअली मैंने क्या आज मैंने छुट्टी ली है स्कूल से क्योंकि मुझे कहीं जाना है, अभी मैं थोड़े दिन में निकल जाऊँगी, अभी बच गए 8 तो मैं काम शाम झाड़ू झाड़ू कर दिया, पोछा लगाना नहीं था क्योंकि थर्सडे है। तो मेरे ना अलमीरा का कबाड़ा हो गया है तो मैं अलमीरा सेट करूँगी एक्चुअली पहले, क्योंकि मैं ना जैसे मंडे को वाइट कलर के कपड़े लगते तो पूरा वाइट हम नहीं पहनते हैं, मतलब ऑफ वाइट हो फ्लावरिंग टच हो, मतलब सिर्फ ऑफ वाइट का टच हो, बाकी ऐसे कपड़े मैं अरेंज करके रखती हूँ। मंगलवार को रेड पहने होते पर रेड मैं नहीं पहन सकती हूँ और फिर मैं ऑरेंज लेती हूँ उसका ऑप्शन या पिंक लेती हूँ, तो वो ना इतने दिन से ना वो इतना हौच पौच हो गया ना कि मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, तो इसलिए मैंने सबसे पहले अपनी अलमीरा सेट करनी है क्योंकि मेरी जीन्स कुर्तीस कोई भी नहीं दिख रहा। अब छुट्टियाँ पड़ जाएंगी तो मैं सूट्स तो लगाऊंगी नहीं, एज ऑब्वियस कहीं जाना होगा तो मैं अपना कंफर्टेबल जोन में ही जाऊंगी, मतलब ऐसा नहीं है कि सूट भी नहीं पहनूंगी, तो क्योंकि मुझे कुर्तीस और थोड़ी लॉन्ग कुर्ती और ये फ्लेयर्स अच्छे लगते हैं पहनना, तो जीन्स बहुत रेयर पहनूंगी, वो तो मौसम के अकॉर्डिंग होगा, अपनी गर्मी तो मैं नहीं पहन पाऊंगी। तो अभी करते सबसे पहले अपनी अलमीरा सेट, और मेरे अलमीरा में बहुत काम करने के लिए 2.5 घंटे लग गए, 2.5 घंटे मैंने मूवी भी देखी और अभी ये हो गया। अभी जो रहता है वो दूसरे कमरे में रहता है तो वो मुझे करने की अभी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं, मेरे बहुत सर दर्द हो रहा है और जहाँ मैंने जाना था उधर के लिए भी मैं लेट हो गई, तो अब मैं शाम को देखती हूँ, शाम को अगर बात बनी तो शाम को चलते हैं। सो हे गाइस, ये मेरी स्टूडेंट है ट्यूशन में और मैं क्या करती हूँ, मैंने पहले का ग्रामर पढ़ाया है, अब मैं इनको बोलती हूँ कि ये आके एक्सप्लेन करें कि मेरे को ये है कि बच्चा कितना खुद बता सकता है, तो मैं इनको अभी डेली टॉपिक देती हूँ, जो की हुई चीज़ें हैं वही कराती हूँ। तो देखो वो इतने अच्छे से एक्सप्लेन कर रही है ना, बहुत अच्छे से पढ़ाया है इसने। हाय, अब ये है खुशी, छुट्टी होगी हमारी भी कोई गारंटी नहीं है। सो गाइस, ये लास्ट डे है अभी स्कूल का, तो देखो ये टीचरों की खुशी अभी नेक्स्ट लेवल है, और एक बेचारे को बनाया हुआ है फोटो खींचने के लिए, मैम टिकाई करके फोटो खिंचवाओ आप, ठीक है। थोड़ा के लक्षण है, तुझे कुछ चुप कराया सात इंच में, तुस 11 इंच, 180 सेंटीमीटर ठीक। सो हे गाइस, आज ये मेरा कैजुअल शूट था, लास्ट ईयर जहाँ मैंने ब्राइडल शूट किया था वहाँ पे आज मेरा कैजुअल था, और ये ड्रेस इतनी अच्छी थी ना सच में बताऊँ, और मेरा आई मेकअप हो गया था, और नहीं मेरा एक्चुअली फुल मेकअप हो गया था क्योंकि मुझे ब्राइटनेस थोड़ी कम लग रही है ना, मैं खुद ही बढ़ा लेती हूँ पहले, तो फुल मेकअप हो गया था। तो पहले डिसाइड हुआ था कि हम स्ट्रेट हेयर ही रखेंगे, लेकिन आफ्टर दैट डिसाइड किया कि हम कर्ल करते हैं क्योंकि वो थोड़ा खाली खाली सा लग रहा था, तो इसलिए हमने फिर कर्ल किए, क्योंकि कर्ल भी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं पर्सनली, भी मुझे बहुत पसंद है ओपन हेयर एंड कर्ल, मैसी कर्ल हो
या हैवी कर्ल्स हो, बट हैवी कर्ल्स से मैसी कर्ल्स ज़्यादा पसंद है, बट ये बहुत अच्छे लग रहे थे, ड्रेस भी बहुत सुंदर है। ये थोड़ा सा मैंने शॉर्ट्स बना रही थी, बहुत ज़्यादा अच्छा मेकअप लग रहा था, बहुत सटल मेकअप था ये, बहुत ज़्यादा मतलब जैसे मुझे पसंद है आप ये कह सकते हैं। तो ये मेरा मेकअप, मतलब मैंने ड्रेस चेंज कर दिया था, तो देखो अभी भी मेरा मेकअप कितना मतलब नेचुरल लग रहा है ना, वो चीज़ है। उसके बाद इन्होंने दिया मुझे पैम्परिंग ट्रीटमेंट मिला मुझे, तो इरा झुला रही थी मुझे झूला, क्योंकि ये मेरे पास आई हुई है कल की, तो इसको मैं काम छोड़ती तो मैं इसको ले गई थी साथ में, और ऐसे भी इतनी देर तक मेरे बिना नहीं रहती घर पर, तो जो मेरा ये कर